इसी के साथ मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मतदान केंद्र संख्या 193 पुराना पंचायत भवन परसाका सदर प्रखंड अंतर्गत इस पंचायत का ये जो बूथ है, इस पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो अभी जो शुरू हो चुका है। मतदान होता हुआ हमारे वोटर्स यहाँ से तैयार है, मतदान कर्मी उनको कुछ समझाते हुए। गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसाटाण की बूथ संख्या 193 की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे साथ आज के इस बूथ के पहले मतदान करने वाले मतदाता हैं। क्या नाम है आपका? मधुर कुमार। आप मतदान को लेकर कितना उत्साह? बहुत ज्यादा उत्साह है, और इस बार हम लोग 10 साल से जो मुख्य उसी को इस बार भी लाना चाह रहे हैं, और बराबर इसी को भी चलता ही रहेगा। अच्छा विकास किया है हम लोग के यहाँ। इस बार आप वोट जो है वो किस आधार पर दे रहे हैं? इस बार वोट हम लोग विकास के आधार पर दे रहे हैं, और नौजवान को शिक्षा के बारे में दे रहे हैं। विकास के आधार पर दे रहे हैं। चलिए, विकास के आधार पर मतदान किया जा रहा है। पहला मतदान हो चुका है, परसाटाण की तस्वीर है। मतदान संख्या 193 गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसाटाण बूथ संख्या 193 की तस्वीरें। पुराना पंचायत भवन, पहला मतदान हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया जो है वो काफी प्रभावशाली तरीके से यहाँ शुरू हो चुकी है। इस बीच आपको दिखाना चाहेंगे, मतदाताओं में काफी उत्साह है। सारे लोग यहाँ पर पंक्तियों में लड़े हैं, खड़े हैं, अपने अपने प्रतीक्षा में यहाँ पर प्रतीक्षारत है। सभी अपनी पर्ची के साथ यहाँ पर तैयार है। पूरी तरह से मतदान की प्रक्रिया जो है वो विधिवत शुरू हो चुकी है। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसाटाण बूथ संख्या 193 पुराना पंचायत भवन की तस्वीरें। मतदान कर्मी अलर्ट मुस्तैदी के साथ काम करते हुए सहयोग कर रहे हैं मतदाताओं को। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पंचायत चुनाव 2022 के तहत परसाटाण पंचायत की ये लाइव तस्वीरें। मतदाताओं में काफी उत्साह है, सारे लोग यहाँ पर पंक्ति में खड़े हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, परसाटाण पंचायत के बूथ संख्या 193 की, पुराना पंचायत भवन परसाटाण। मतदान करने के लिए यहाँ पर लोग पंक्तिबद्ध हो चुके हैं। काफी उत्साह है लोगों में यहाँ पर, काफी संख्या में यहाँ पर मतदान कर्मी सुबह सुबह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह है। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। तस्वीरें यहाँ पर शुरू हो चुकी है। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसाटाण बूथ संख्या 193 की तस्वीरें आप देखें। मतदान कर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं मुस्तैदी के साथ मतदान करने के लिए। मतदाताओं की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। सारे लोग यहाँ पर अपना अपना डॉक्यूमेंट के साथ तैयार है। काफी संख्या में यहाँ पर जवानों की भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सारे लोग यहाँ पर इस प्रयास में है कि मतदान जो है वो सुचारू रूप से शुरू हो, और सुचारू रूप से इसका समापन भी हो जाए। तस्वीरें गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसाटाण बूथ संख्या 193 आप देखें। जवान मेहनत करते हुए यहाँ पर कि जो मतदान है जिसका आरंभ हो चुका है वो सही तरीके से यहाँ पर चले, सुचारू रूप से यहाँ पर लोग अपना अपना मत जो है, मताधिकार जो है उसका इस्तेमाल कर सके। काफी संख्या में यहाँ पर मतदान करने के लिए मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसाटाण बूथ संख्या 193 पुराना पंचायत भवन परसाटाण। मतदान कर्मी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार। धन्यवाद। सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खावा के मतदान केंद्र संख्या 159 उत्क्रमित मध्य विद्यालय खावा पूर्व विभाग की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मतदान की प्रक्रिया जो है पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के तहत वो शुरू हो चुकी है। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीरें देखें। इस समय मतदान की प्रक्रिया जो है वो चल रहा है। मतदान कर्मी जो है मतदाताओं को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से मतदान हो समझाने का प्रयास चल रहा है। काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं और पुरुष मतदाता अपनी पंक्ति में यहाँ पर खड़े हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने साथ आधार कार्ड लेकर आए हैं, चुनावी जो पर्ची है वो लेकर आए हैं। यहाँ पर सुरक्षा के लिए यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी तैनात है, महिला और पुरुष सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर तैनाती है। काफी संख्या में मतदाता यहाँ पर महिला और पुरुष इकट्ठे हैं। मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। आइए यहाँ पर खड़े कुछ मतदाताओं से बात करके जानने का प्रयास करें कि क्या है उनका मुख्य मुद्दा और किस आधार पर वो यहाँ पर पंचायत चुनाव के तहत आज मतदान करने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका जी?
क्या नाम हुआ आपका? बैजनाथ मंडल। बैजनाथ मंडल जी, आप आज वोटिंग करने के लिए आए हैं, क्या आपका आने का उद्देश्य है, किस आधार पर आप मतदान कर रहे हैं? लोग इस आधार पर मतदान कर रहे हैं कि जिस गति से आगे विकास हुआ है हमारे पंचायत में सरवण, उसी को लेकर के हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पुनः हम विश्वास कर रहे हैं कि पुनः हम लोग का पूरा पूर्ण विकास होगा। विकास के आधार पर मतदान हो रहा है? विकास के आधार पर, विकास के आधार पर मतदान हो रहा है। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीरें देखें, महिलाएं भी इस समय मतदान के लिए यहाँ पर आई हुई है, काफी संख्या में यहाँ पर महिलाएं भी हैं। आइए इनमें से कुछ महिलाओं से बात करते हैं। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? आप बताएं, कितना देर पहले आप वोटिंग के लिए आए? 10 मिनट हुआ। यहाँ पर आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है क्या? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? महिला मतदान मतदाताओं को आप सुन रहे थे, किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं? खावा पंचायत की तस्वीरें हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय खावा की तस्वीरें, जहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिला और पुरुष मतदाताओं की भीड़ लगी हुई है। मतदान कर्मी भी यहाँ पर, तस्वीर आप देख रहे हैं गिरिडीह सदर प्रखंड की, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हमारे साथ एक महिला सुरक्षा कर्मी यहाँ पर, आइए इनसे बात करते हैं। मैडम, आप यहाँ पर सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात हैं, महिलाएं यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं, पुरुष यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, काफी संख्या में यहाँ पर पंचायत के लोग मतदान करने के लिए आए हुए हैं, क्या यहाँ किसी तरह की कोई समस्या हो रही है? कोई समस्या नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। महिला सुरक्षा कर्मी बताती हुई, महिलाएं काफी संख्या में यहाँ पर पंक्ति में खड़ी हैं, पुरुष काफी संख्या में हैं, पंचायत के लोगों में काफी उत्साह है। लोगों से बातें हुई, लोगों ने कहा है कि विकास के आधार पर, विकास के नाम पर हम लोग यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आए हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे जनप्रति